हाँ, मुझे पता है कि आपको पता है कि लवलीना बोरगोहाई ने देश को एक तोहफा दिया है, अनदर मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स। देश में खुशी की लहर दौड़ गई है, देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि गिफ्ट देने की कला सिर्फ लवलीना को आती है तो आप गलत हैं, क्योंकि जिस तरीके से गिफ्ट हम देते ना यार, लवलीना कभी मैच नहीं कर पाएगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लवलीना जहाँ रहती है आसाम में, जिस गाँव में रहती है, वहां के जो MLA है उन्होंने कहा हम गिफ्ट दे रहे हैं लवलीना को। ये गिफ्ट है तोहफा, फोकस ऑन द वर्ड गिफ्ट, तोहफा। ये तोहफा है एक पक्का रोड। लवलीना के गांव में रोड ही नहीं था पक्का, ये मेरे साहब अब इनको गिफ्ट दे रहे हैं। लवलीना पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी है 2 बार, लेकिन रोड अभी आ रहा है। लवलीना पहले एशियन गेम्स में मेडल जीत चुकी है, लेकिन रोड अभी आ रहा है। लवलीना अर्जुना अवार्डी है, लेकिन रोड अभी आ रहा है। और रोड नहीं आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है। गिफ्ट MLA साहब कह रहे हैं गिफ्ट है हमारे तरफ से, मतलब लड़की को ओलंपिक मेडल जीतना पड़ेगा अपने गांव में सड़क लाने के लिए। और ये गिफ्ट कैसे हुआ यार? गिफ्ट मतलब तोहफा होता है ना यार। मैं अपने पापा की FD तोड़ के पापा को उनके बर्थडे पे गिफ्ट दूं और कहूं कि पापा की FD तोड़ दी आपके लिए चॉकलेट लाने के लिए, पापा क्या करेंगे यार? विल यू अप्रिशिएट माई गिफ्ट टू हिम? इस देश में टैक्स देना काफी नहीं है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करने के लिए? MLA साहब उसमें भी कहेंगे तुम अब मेडल जीत लो यार, मेडल जीत लो फिर सोचेंगे। हाँ तुम्हारा राइट है वैसे, राइट टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हम तुमको गिफ्ट देंगे, बट गिफ्ट के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ी, शिद्दत से मेहनत करनी पड़ी यार। ये कैसे रिकग्निशन स्कीम है यार? जो टैक्स कलेक्ट करते हो उसे रोड लाओ ना, पानी लाओ ना, और ये कोई बताने की बात होती है यार? मतलब अगर इतनी डेकोरेटेड एथलीट के पास उसके गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, तो किसी को बताओ मत, पता नहीं चलेगा। ये चीख चीख के मीडिया को बुला बुला के ढिंढोरा पीटना जरूरी था क्या? अब दुनिया भर में लोग जान गए हैं कि भारत में जो ओलंपिक मेडलिस्ट है जिस गांव में रहती है वहां सड़क ही नहीं है इनके पास, पानी ही नहीं है इनके पास। और शर्म की बात यह है कि आप सोच रहे गिफ्ट है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्डिसेंडिंग वर्ड इज दिस सर? ये तोहफा कैसे हो गया? आप अपने पॉकेट से नहीं खर्च कर रही है, ये हमारा दिया हुआ टैक्स है। एंड वी थिंक वी हैव अ राइट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि हाउ ऑन अर्थ कैन यू कॉल इट अ गिफ्ट? आपने शर्मो है या कहां भेज दी है? असम के गुवाहाटी में एक फैंसी बाजार है, वहां पे सेकेंड हैंड मार्केट है, अपनी शर्मो है या वहां भेज दिए क्या? इसको गिफ्ट कह रहे हैं आप? और आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि लवलीना करके एक एथलीट है आपके स्टेट में? आपको ये रियलाइजेशन तब नहीं हुआ जब इतने सारे मेडल जीत रही थी? आपको रियलाइजेशन तब भी नहीं हुआ जब उसके नाम के पोस्टर्स डाल रहे थे और उसके फोटो की जगह अपने लोगों के फोटो डाल रहे थे? तब नहीं लगा कि यार बेशर्मी हो गई यार थोड़ा सा यार? उसके बाद आप ढिंडोरा भी पीटा बुला, आ जाओ सब लोग आ जाओ, ये देखो सड़क, ये गिफ्ट है। और ये गिफ्ट आपने कब दिया? जब लवलीना सेमीफाइनल से पहुंच गई। मतलब मान लो अगर नहीं लाती मेडल तो फिर सड़क पे कोई आपका फोकस नहीं जाता क्या? आप MLA क्यों बने यार? आप MLA इसीलिए ना कि अब ध्यान देंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। मेरी एक ही गुजारिश है, मुझे पता है कि गवर्नमेंट को PR चाहिए जो ठीक है, लेकिन कहीं पे PR में और थोड़ी सी नियत में ना बैलेंस ले आइए आप, क्योंकि पोस्टर्स पे आपने कांग्रेचुलेशन लिख के किसी और के पोस्टर डाल दिए थे। अभी जब एथलीट्स आ रही है पीछे बड़े बड़े कांग्रेचुलेशन बैनर में पॉलिटिशियंस के फोटो बड़े हैं, उनके फोटो छोटे हैं। जब ओलंपिक का टेलीकास्ट हो रहा था, जब कंटिजेंट चल रहा था, तो स्क्रीन बीच में फट गया था और पॉलिटिशियंस आधा स्क्रीन कैप्चर कर रहे थे। मुझे पता PR जरूरी है, बट कहीं पे रुक जाइए, नहीं तो बहुत घृणित लगता है ये, शर्मनाक लगता है ये, लुक्स सैड। रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आर बेसिक राइट्स ऑफ एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। नोबडी नीड्स टू गो आउट देयर ऑन अ ग्लोबल फोरम टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू गेट दीज बेसिक राइट्स। एंड डोंट यू डेयर कॉल दिस अ गिफ्ट सर, दिस इज योर ड्यूटी जो आपने बहुत सालों से नहीं की है। अगर आप करेंगे तो इसके लिए शाबाशी एक्सपेक्ट मत करिए। शर्म की बात है कि आप इसको गिफ्ट कह रहे हैं।